और भिवानी से एक बड़ी खबर, कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। किसानों का जो भी मुआवजे की बात की परेशानी का कोई भी कारण रहा है वो दूर होगा। किसानों को जो भी वायदा किया गया है वो हम पूरा करेंगे। अनाज मंडियों में उत्थान न होने पर भी जेपी दलाल का बयान, आवक ज्यादा होने के चलते ये समस्या पैदा हुई है। किसानों को फसल का भुगतान किया जा रहा है और मुआवजे की बात है तो मई महीने में हो सकता है कि जो खराब फसलें हुई हैं किसानों की, राहत के तौर पर वो मुआवजा जल्द ही उन किसानों को मिल जाए। ये सरकार का प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। नहीं, इस बार जो खरीद हुई है 15-20 दिन के अंदर ही बहुत ही अच्छी खरीद हुई है और 60 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं आया है, 5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा सरसों आई है, जो पिछले साल से 25% से ज़्यादा है गेहूं और सरसों तो पिछले साल से डबल से भी ज़्यादा है। और उठान का भी जहां तक ताल्लुकात है, 40 लाख से ज़्यादा मीट्रिक टन की उठान हो चुका है और जिस गति से उठान चल रहा है अगले 4-5 दिन में सारा उठान हो जाएगा। ये सही है कि एकदम से गेहूँ सब लेके आए हैं तो मंडियाँ एक बार भर गई थी, लेकिन व्यवस्था हमने कर दी, अच्छी पेमेंट भी खूब करी है किसानों के अंदर। गेहूँ का भी लगभग 8-9 हज़ार करोड़ रुपये जा चुका है, सरसों का 1500 करोड़ रुपये जा चुका है। इतनी जल्दी पेमेंट की है, जितनी जल्दी व्यवस्था बनाई है और मौसम ने भी इस बार साथ नहीं दिया था, बीच बीच में बारिश भी आती। अभी लगभग ज़्यादातर ज़िलों से डाटा आ चुका है, 18-20 से एक दो ज़िले का डाटा आना है और मुख्यमंत्री कार्यालय इसके और हमारे FCR जो हैं इसको कंपाइल कर रहे हैं। जैसा हमने वायदा किया था कि मई के महीने में खराबे का पैसा डाल देंगे, वो हम करेंगे।